बल्देवगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा में कैबिनेट मंत्री का जगह जगह हुआ स्वागत। शिक्षक दिवस पर कैबिनेट मंत्री द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। कॉलेज को लेकर नगर वासियों ने जन आशीर्वाद यात्रा रोककर कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन। बल्देवगढ़ नगर में जन आशीर्वाद यात्रा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक का दो बार दौरा निरस्त होने पर आज पुनः नगर में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर संपूर्ण नगर में खुशी का माहौल देखा गया। तो वहीं एक दिन पहले ही सभी तैयारियां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कर ली गई। जैसे ही कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक सुबह 11 बजे टीकमगढ़ से बल्देवगढ़ बस स्टैंड पर प्रस्थान किया, तो नगरवासियों ने डीजे व ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर एवं महिलाओं के द्वारा कलश रखकर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य बस स्टैंड पर जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंच का संचालन पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम गोपाल चौरसिया द्वारा किया गया। तो वहीं लोगों ने कैबिनेट मंत्री को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो वहीं राम गोपाल चौरसिया द्वारा नगर में महाविद्यालय के निर्माण को लेकर बात कही गई। नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात कही। मुख्य बस स्टैंड पर नगर एवं क्षेत्रों से अधिक संख्या में बैनर लेकर छात्र उपस्थित हुए, जिन्होंने कॉलेज स्थापना के संबंध में नारे लगाकर कैबिनेट मंत्री से नगर में ही कॉलेज स्थापित करने की बात कही। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर नगर में ही कॉलेज स्थापित हो, इस संबंध में आश्वासन दिया। बल्देवगढ़ से दीपक कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। आप लोगों के द्वारा जो कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोक करके ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांग है, क्या समस्या है? देखिए, हमारे पास इस बात के पुख्ता साक्ष्य हैं कि बल्देवगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा जो कॉलेज सैंक्शन कराया गया था, उसे कुछ राजनेता अपने राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर भेलसी ग्राम में ले जा रहे हैं। उसमें हमारे गाँव के छात्रों छात्राओं को दिक्कत है और सुरक्षात्मक कारण भी उसमें शामिल है। हमारे इस बात से व्यथित होकर हमने माननीय सांसद जी महोदय का रास्ता रोक कर उन्हें ये लिखित ज्ञापन दिया है कि हमें कॉलेज से अन्य स्थान पर जाने से आपत्ति है और ये छात्र हित का खून करने जैसा है, जैसा हम नहीं होने देंगे। कब से आंदोलन कर रहे हो, कब से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ये आंदोलन हमारे लगभग 20 दिन हो चुके हैं, जिसमें हमारी कई बैठकें और आवेदन जो है माननीय जो नेता जो हैं जो यहाँ से ले जा रहे थे, उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि हम आपकी मांग मानने वाले नहीं हैं। इस बात से व्यथित होकर हम लोगों ने जो है सांसद जी को अपनी पीड़ा सुनाई। आज क्या आश्वासन मिला है सांसद जी ने? हमें मौखिक आश्वासन दिया है कि कॉलेज बल्देवगढ़ में ही बनाया जाएगा, लेकिन हमें इस बात की प्रतीक्षा रहेगी कि वो हमें एक लिखित आदेश दें जिसमें ये लिखा हो कि बल्देवगढ़ में ही कॉलेज बनाया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अनशन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, लेकिन हम छात्र हित का खून नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।